हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ चुकी है एंड इस साल की पहली वीडियो है। और इस साल की वीडियो उसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं बेंटन की अपडेट वीडियो के साथ। तो होप कि इस साल में बेंटन की न्यू सीरीज भी आ जाए एंड होप क्या 100% इस साल में बेंटन की न्यू सीरीज आ ही जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग जिस बेंटन की अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ी बहुत आपको खराब लग सकती है बट घबराने वाली बात नहीं है, वो तुम वीडियो देख लोगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो कहीं तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देना। छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक जरूर वॉच करना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, कुछ दिनों पहले ट्विटर पर डंकन से एक बंदे ने ये बात कही कि सर हैप्पी न्यू ईयर टू यू बट समथिंग इज स्टिल मिसिंग, सो डू यू थिंक वी आर नियर टू से इट्स हीरो टाइम वंस अगेन। मतलब इसका तुम लोग समझ ही गए होगे बट फिर भी मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। उसने डंकन को हैप्पी न्यू ईयर विश किया एंड पूछा कि क्या हम लोग फिर से कह सकते हैं कि इट्स हीरो टाइम, यानी कि बेंटन की न्यू सीरीज के बारे में ही उसने पूछा था। क्योंकि यार बेंटन के क्रिएटर्स पिछले साल से ही न्यू सीरीज के चक्कर में काफी ज्यादा घुमा रहे हैं, इसीलिए उस बंदे ने कहा कि क्या अब हम बोल सकते हैं कि ये हीरो टाइम है, मतलब कि क्या बेंटन की न्यू सीरीज अब जल्दी आ जाएगी। तो उसी का डंकन ने रिप्लाई करते हुए कहा अनफॉर्चुनेटली नो। चलो ठीक है, उनने बोल दिया अनफॉर्चुनेटली नो। बट इसके बाद फिर से एक फैन ने डंकन से पूछा कि सर कैन यू से अ डेट और मंथ डेट वी कैन एक्सेप्ट अनाउंसमेंट ऑफ बेंटन न्यू सीरीज प्लीज। तो इसका भी डंकन ने रिप्लाई करते हुए कहा कि अनफॉर्चुनेटली नो। देखो, डंकन ने यहाँ पर दोनों फैन से एक ही बात कही, अनफॉर्चुनेटली नो। अब इसका ये मतलब मत समझ लेना कि बेंटन की न्यू सीरीज पर काम ही नहीं हो रहा है एंड इस साल भी ये लोग बेंटन की सीरीज नहीं देंगे, मतलब कोई अपडेट नहीं देंगे बेंटन की न्यू सीरीज से रिलेटेड। अब देखो, तुम्हें ये तो पता ही है कि बेंटन की न्यू सीरीज का वेट काफी लोग काफी टाइम से कर रहे हैं, मतलब कि बेंटन फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि बेंटन की न्यू सीरीज अब जल्दी से जल्दी आ जाए। एंड काफी सारे क्वेश्चंस आए दिन वो लोग डंकन से पूछते रहते हैं, इसीलिए शायद से इन क्वेश्चंस को टालने के लिए उन्होंने अभी बोल दिया हो अनफॉर्चुनेटली नो। एंड जैसा कि तुम्हें पता है कि पिछली साल बेंटन ओमनिवर्स के आर्ट डायरेक्टर डेरिक जे वाइट की भी डेथ हो गई थी, तो इसी के चलते वो लोग न्यू सीरीज के काम को थोड़ा डिले कर रहे हों। एंड ऐसा भी हो सकता है कि काम तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका हो बट वो अब सिर्फ हाइप क्रिएट करना चाहते हों। और अगर हम पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस को देखें जो कि डंकन से पूछे गए थे न्यू सीरीज के बारे में, तब लास्ट टाइम एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसमें डंकन ने रिप्लाई करते हुए कहा था कि न्यू ईयर में हमें कोई ना कोई अपडेट बेंटन की मिल जाएगी, बट ईयर 2021 के एंड होते होते डेरिक जे वाइट की भी डेथ हो गई, जो कि काफी दुख की बात है एंड इसी वजह से वो थोड़ा डिले कर रहे हो बेंटन की न्यू सीरीज को। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तब शायद डंकन ही खुद से बोल दें कि या इट्स हीरो टाइम। बट देखो, फिलहाल के लिए तो हीरो टाइम नहीं आया है एंड मेरी मानो तो ज्यादा दिन भी नहीं रह गए हीरो टाइम आने में। बट मुझे लगा था कि आप लोग डंकन के इस रिप्लाई को देखते हुए काफी दुखी हो गए होगे और सोच रहे होगे कि बेंटन की न्यू सीरीज पर तो वर्क हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें ये वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। एंड अगर आपको पॉजिटिव ही लग रहा था तो बहुत अच्छी बात है, जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही सोचो। एंड और कोई अपडेट आएगी तो मैं तुम्हें जरूर से बताऊंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय एंड टेक केयर।